स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिडाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिडाना स्पेशल क्लासेस। आज जी अपना लास्ट लेक्चर नंबर 15 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप तुसी ऑल द लेक्चर्स अप टू 14 यू हैव सीन। आज अपना लास्ट लेक्चर दे विच करन जा रहे हैं जी कुछ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन सम एनसीईआरटी एंड कुछ क्वेश्चंस करांगे जी अपन विच केम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई अप टू 2019। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना प्लीज कॉपी या पेन निकालो। तो प्लीज अपना स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर जिसमें विच अपन करने हैं क्वेश्चंस। आई होप तुसी आ ले फॉर्मूलाज याद कर ले होंगे बिकॉज इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही आपने सारे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो लो जी आप काम शुरू कर दे। आप द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंप्यूट द heat generated, the compute the heat generated while transferring 9600 coulomb charge in 1 hour through a potential difference 50 through the potential difference of 50 volt। लो जी आ अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम ध्यान नाल पढ़ो ते देखो क्वेश्चन दे विच की गिवन है ते किवें किवें आपां उन्हें फाइंड आउट करना। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो तो फाइंड आउट की करना कंप्यूट द हीट मतलब हीट फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ठीक है हीट फाइंड आउट करनी है मतलब फॉर्मूला नंबर लगेगा अपना 8 हीट वाला कोई। ओके आफ्टर दैट दे हैव गिवन अस की चीजें गिवन है। एक तो देखो चार्ज गिवन है 9600 चार्ज क्यों गिवन है जी 9600 कूलम चार्ज। ठीक है उसके बाद टाइम गिवन है 1 hour। 1 hour का मतलब क्या हो गया 3600 seconds। ओके आफ्टर दैट की गिवन है जी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। इन्ना का अपने को गिवन है तो आप फाइंड आउट करनी हीट। हम देखो फॉर्मूले अपने को तीन है हीट वाले VAT I square R into T V square by R into T। ठीक है बट की अपने को वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है नहीं तो किवें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला लगा के VIT वाला देखो VIT वाला किदा हम ध्यान ना देखना है कि अपने को करंट की वैल्यू है करंट की वैल्यू कितने गिवन है नहीं पर की करंट की वैल्यू बनाई जा सकती है कि करंट का कोई ऐसा ना फॉर्मूला है जिंदे विच बनाई जा सकती। हाँ जी है देखो चार्ज दिता है एंड टाइम दिता सो वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मैं करना मैं डायरेक्ट इतने वैल्यू फिल कर देना करंट की करंट का फॉर्मूला फिल कर देना जी आई इज इक्वल टू देखो क्यू बाय टी। ठीक है आई की वैल्यू आप फिल की क्यू बाय टी एक टी इतने ही आ टी टी कैंसल होगा टाइम कैंसल होगा मतलब अपने मतलब की बचा वी इंटू क्यू। तो लो जी हीट की होगी वी इंटू क्यू वी कि 50 वोल्ट चार्ज के ना अपने 9600 कूलम तो एनू जो मल्टीप्लाई करोगे 96 × 5 तो यह आएगा जी थोड़े वाले 480 देखिए। हाँ जी 480 आफ्टर दैट जीरो गिन लो 1 2 3 4 10^4 जूल। ठीक है जे इत्थे आंसर छड़ना इत्थे छड़ दो कोई दिक्कत नहीं पर इन थोड़ा जिहा आप पॉइंट दे विच कन्वर्ट कर लैंदे आ। मैं तुहानू पहले दस्से डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 वाला कॉन्सैप्ट डिवाइड बाय 100। ठीक है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 जो मल्टीप्लाई बाय 100 ते डिवाइड बाय 100 करांगे तो अपने कोल आंसर आ जाऊगा। देखो 10 गई ए आ जी 4.8 मल्टीप्लाई 10^4 ते 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ 100 ਹੈ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ 10^2 ਤੇ 10^4 ਤੇ 10^2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 10^6 ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 4.8 × 10^6 ਜੂਲ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਯੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਊ ਕੈਨ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਫ 2 ohm 3 ohm
and 6 ohm. 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected. And we have connect karne to give total resistance 4 ohm. The second part which is 1 ohm. Now the question the statement please use in note down karo. Question the which key given on the leg then dwara. Kehna how can 3 resistor apne kole 3 resistor given hai 2 ohm da 3 ohm da te 6 ohm da. ठीक है जी, 10 रेजिस्टर गिवन है, 2 ओम 10 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन, मतलब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इतना दे फॉर्मूले लगाने के 56 नंबर. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है ताकि अपना एक बार ही आंसर 4 आवे तो सेकंड टाइम आंसर आवे 1. तो लो जी आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दे. ਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ R1 + R2 + R3. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 + 3 + 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 11. ਤਾਂ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1/2 + 1/3 + 1/6 ठीक है इज इक्वल टू 1/RP. ओके 6 हो गया, एलसीएम 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6/6 कट गया जी 1 1/RP. तो RP कितनी आ गई वैल्यू 1. तो की क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੈਲਿਡ ਪੁੱਛੀ, हां जी पूछी है. तो अपने ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਆਲ ਦ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੋਟਲ 1. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. लो जी पैरेलल कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਆ 4. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ 2, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 1 ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ 1 ਪੈਰਲਲ ਕਰਕੇ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਅ ਸੇਕ ਆਫ ਗੈਸ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਤੇ 6, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ 3 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਬਚਿਆ, 2 ਓਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਧਾ ਆ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ. ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. 3 ਐਂਡ 6 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ 1/3 + 1/6. ਲਓ ਜੀ 1/3 + 1/6 = 1/RP. ਤਾਂ LCM ਆ ਗਿਆ 6, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 + 1 = 3/6, ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 1/2. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ, RP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 2 ਹੋਣ. ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 2 ਹੋਣ. ਤੇ ਆ 2 ਤੇ ਅਗਲਾ 2, ਅਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਤੇ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 4. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੈਰਲਲ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 3 ਐਂਡ 6 ਆਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਐਂਡ 2 ਓਮ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜੂਗਾ. ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗਦੇ, 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲੱਗਦੇ ਕਿ 2 ਪੈਰਲਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ. ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ. ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਬੀਐਸਈ 2012 ਕੁਐਸਚਨ. ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ 2012 ਐਂਡ 2013 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ.
एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है पर इनू अपन सॉल्व करना पैना। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई बल्ब है जी इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है, कहना व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट व्हाट विल बी पावर कंज्यूम्ड, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। ऑप्शन दी थी अपन अगले 100 वॉट, ऑप्शन बी दी थी 75 वॉट, ऑप्शन सी 50 वॉट, तो ऑप्शन डी 25 वॉट। और इन देखो जी इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान ना देखो, ध्यान ना पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो देखो की पूछा है। कहता है एक बल्ब दिता है जिंदी रेटिंग दिती है 220 वोल्ट ते 100 वॉट, मतलब कि जो भी आप बल्ब नु 220 वोल्ट दे पोटेंशियल डिफरेंस दे उते चलाने हैं तो वह 100 वाट की बिजली खा जाता है, 100 वाट की पावर खा जाता है, ठीक है। इतना हम क्वेश्चन के पूछा वैन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, मतलब जो आप पोटेंशियल डिफरेंस 110 कर दिए, ध्यान ना सुनना कि जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 110 कर दी है तो उन कितनी पावर खाऊगा, तो अद्धिया ने दिमाग के आंसर आ गया होना 50 पक्के जी, मैं कहना 50 पक्का ना, क्योंकि 50 हाउ यू कैन सी दैट 50 इथो हिसाब लगा लो तुसी 220 वोल्ट है एनु हाफ करेंगे इनका मतलब की पावर की खाऊगा अद्धी खाऊगा, मेरे मित्र एवं नहीं था, मैं फिर कही ना कि हम बनी बनाई खिचड़ी नहीं, हम दिमाग चलाना पैना, वो जो फॉर्मूले बने पे है वो यूज करने पैने हैं, ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। हम देखो कि मैं तुम दस जी कोई भी बल्ब हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, कोई रजिस्टर हो, कुछ भी हो, जी एक चीज हमेशा कॉन्सटेंट रहती है कि रजिस्टेंस, रजिस्टेंस होंगी हमेशा की रही है कॉन्सटेंट, ठीक है। हम देखो ध्यान न जे आप आ जो दो चीजा गिवन है इन्हें जो रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीए कि इस बल्ब डिवाइस की रजिस्टेंस इन्नी है 110 वोल्ट के उपर ओपरेट करवाइए तो अपने पावर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो क्योंकि पावर की वैल्यू है वी आई आई स्केयर आर से वी स्केयर बाय आर, मैं लैंना जी पावर का फॉर्मूला वी स्केयर बाय आर। हम इन्हें ध्यान न देखना पावर, फस्ट पार्ट देखो पावर 220 नहीं पावर है 100 वाट की पावर खाता है, 220 वोल्ट से जो चलाइए तो उनकी रेजिस्टेंस तो कॉन्सटेंट रहेगी, अर्थात रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने जी आप 220 का स्केयर डिवाइड बाय 100, 220 का स्केयर करांगे तो आऊगा जी 484 00 डिवाइड बाय 1000, कैलकुलेटर के नाल या दिमाग के नाल 22 का स्केयर कर लो कि आऊगा 484 दो जीरो नाल दो जीरो नाल दो जीरो कैंसल 100 नाल तो अपने कोल आंसर आ गया जी 484 ओम। मतलब की है कहने का भी आवला जो रेजिस्टेंस आई है इस डिवाइस की इस बल्ब की वह है 484 ओम, ठीक है इतों तक ओके। पर हम जो इस दी आही फॉर्मूला द्वारा पी इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, ठीक है, हम पावर किन्नी खाऊगा जो 110 वोल्ट के उत्ते चलाया, ठीक है, तो 484 नाल डिवाइड करेंगे तो पी आऊगा जी 110 गुणा 110, ठीक है, डिवाइड बाय 484 है की करता है, देखो 110 गुणा 110 11 गुणा 11 किन्ना होता जी 121 ते नाल लगा देना 100, इन्हू देखो कि यह किसी चीज़ के उत्ते कटिंदा कटिया, हाँ जी इन्हू जो 4 नाल कटूंगा तो कटिया होगा 4 ते आ हो गया जी 25, मतलब पावर किन्नी आएगी 25। हम ध्यान नाल देखो इस आंसर तो कि तुहानू की चीज पता लगेगी जो उस बल्ब की वोल्टेज हाफ कर दें, आप जो वोल्टेज की कर दें हाफ तो उनकी पावर का की बन जाता है, पावर किन्ने गुना घट जाती है, इसी 100 इतने कितनी आ गई आंसर 25, ठीक है, तो पावर 4 गुना घट जाती है, ठीक है। तो आ वाला जो फॉर्मूला लिखे आया इन्हू वेखो ध्यान P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, मतलब पावर इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर है, तो आर जो आप कॉन्सटेंट लीए जो रजिस्टेंस कॉन्सटेंट हो तो पावर से पोटेंशियल डिफरेंस का कि रिलेशन है डायरैक्ट रिलेशन है, ध्यान सुनना पावर से पोटेंशियल डिफरेंस का कि रिलेशन है डायरैक्ट रिलेशन है, तो कि डिपेंड करी जाता स्क्वेयर के उत्ते डिपेंड करी जाता, ध्यान देखो का डिपेंड करी जाता पावर विल डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट्स पावर टू, मतलब की है कहता जो आप वोल्टेज न हाफ करता
देखो वोल्टेज की करता हाफ करता ते उन्दा की करना आपा स्केयर क्योंकि पावर डिपेंड करती है स्केयर दे उते देखो देखो स्केयर दे उते एनु जदों आपा हुन हाफ करांगे तो पावर कितने गुणा कर दूगी 1/4 हो जूगी तो देखो अपना आंसर 1/4 ही आएगा ठीक है। 1/4 का मतलब कि अपनी पावर है जी 1/4 टाइम्स घट गई है 100 तो कितनी रही 25 रही। एक ट्रिक है देखने की कि जदों आपा वोल्टेज नु हाफ किया तो पावर कितनी होगी 4 गुना घट गई ठीक है। तो तुसी आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो तो आंसर क्या होगा डी एना आंसर सी नहीं आना डी आऊगा ठीक है। नोट करो प्लीज नोट कीता ओके चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें मैं तुम ओह क्वेश्चन कराइए ना जो बहुत मतलब दिमागी लैवल के थोड़े है तगड़े ठीक है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहना विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। लो जी आ क्वेश्चन अपना तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन की दिता है कहना विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी केड़ा डिवाइस एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा ठीक है। एक डिवाइस दिता है अपन फर्स्ट डिवाइस दिता है कहना एक टीवी सेट है उनकी पावर दिती हुई है 250 वॉट ठीक है ते टाइम दिता है जी 1 आवर ठीक है ओके। तो सैकेंड दिता है अपने को एक टोस्टर ठीक है तो उनकी वैल्यू दिती हुई जी पावर की 1200 वॉट ते टाइम गिवन है 10 मिनट्स। क्वेश्चन दे विच आ पूछे कि विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी तो एनर्जी वाला फार्मूला लगा देना तो देखो हीट एनर्जी का इक्वल होंगे VIT या जो भी है एक्चुअल एनर्जी कैसे होगी VIT VI की है पावर तो इनटू टाइम मतलब पावर इनटू टाइम कर दो तो अपने को एनर्जी दी वैल्यू आ जाएगी सिंपल और पावर इनटू टाइम करना तो एनर्जी दी वैल्यू आ जाएगी पावर इनटू टाइम करेंगे तो एनर्जी दी वैल्यू आ जाएगी। और देखो ध्यान से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम ओके। और यूनिट्स देखने वास्ते अंदर बेसिकली अपना आंसर जल्दी मिनटों में ही आएगा व्हाट व्हाट डन आर एंड मिनट। और या तो तुम आ करो कि मिनट नु सेकंड दे विच चेंज कर दो या मिनट नु आवर दे विच या तो दोनों नु तुम सेकंड दे विच चेंज कर दो ठीक है। मतलब टाइम दे जेड़े यूनिट है दोनों सेम होने चाहिए। मैं की करदा फॉर द ईजी करना वास्ते मैं आर नु मिनट दे विच चेंज कर देना एन नु नहीं चेंज कर देना ठीक है। आर नु मिनट दे विच चेंज कर देना 60 मिनट हो गए आ मिनट दा मिनट ही रह गया ठीक है। हुण एन नु जदो पी पावर नु टाइम दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 250 इनटू 60 इट विल बिकम किन्ना आंसर आऊगा ना 25 गुणा 6 आऊगा जी 300 × 2 जीरोस ठीक है वॉट इनटू मिनट। एनु आपा एमी लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव टू जस्ट कंपेयर दीज टू कंपैरिजन करना है इन द विच यूनिट्स का मेन आर रूल है कि यूनिट सेम होने चाहिए दोनों का ओके। एनर्जी को जब कैलकुलेट करेंगे तो 1200 × 10 = 12000 वॉट इनटू मिनट। तो सिंपल जी गल दोनों के पीछे यूनिट सेम है तो केड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जी तो आंसर आऊगा अपना टीवी सेट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी बिकॉज इनकी पावर आ रही है 3000 इनकी आ रही है जी 12000 आ रही है जी 30000 इनकी आ रही है 12000 तो आंसर इनका ज्यादा होगा टीवी सेट का। आंसर आप चेक भी कर रहे हैं टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी बिल्कुल ठीक है जी टीवी सेट कंज्यूमिंग द मोर एनर्जी। जे तुसी मिनट दे विच आंसर रखना मिनट दे विच रख सकदे हो जे इसी नु तुसी आर दे विच रहन देना मतलब इस नु मिनट दे विच नहीं कन्वर्ट करना एनु आर दे विच रहन दो ठीक है। जे एनु तुसी कन्वर्ट करना है एनु 10 मिनट्स नु आर दे विच चेंज कर लो 10/60 करांगे ठीक है मल्टी एनु मैं दोबारा करके दिखा देना टाइम गिवन सी अपने कोले 1 आवर ओके। हुण एनु मल्टीप्लाई करांगे तां आऊगा 250 × 1 is equal to 250 watt hour या इधर आंसर लिख सकते हो। यदि एनर्जी कितनी आएगी पावर इन टाइम करेंगे 1200 × 10/60 watt into hour
एक जीरो गई डिवाइड बाय सिक्स, 12 6 200, 200 वॉट इंटू आर। तो हर हालत देख लो आंसर अपना टीवी दे ज्यादा आ रहा है कि टीवी सेट ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है। प्लीज नोट कर लो जी। तो लो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट होता हूँ, बड़ा आपका टाइम वेस्ट है नहीं करना। टू लैंप्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच नहीं व्हाट करंट इज ड्रॉन बाय दीज एट 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सीधा जहा क्वेश्चन है। कहता दो बल्ब लैंप दिते हुए हैं, बल्ब नंबर एक ते बल्ब नंबर दो। ओके 100 वॉट 220 वोल्ट 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी दी वैल्यूज गिवन है। उसके बाद पूछता है कहता व्हाट करंट इज ड्रॉन बाय दीस एट 220 वोल्ट, मतलब जो उन्होंने ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਲਬ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60 ਵਾਟ 220 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ, ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, P ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VI ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, P1 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V1 ਇੰਟੂ I1। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 100, ਵੋਲਟੇਜ 220, ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 100 ਬਾਏ 220 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I1, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, 100 ਬਾਏ 22 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I1, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹਾਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਲ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ I1 ਤੇ ਆਪਲੀ I2, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ I, I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I1 ਪਲੱਸ I2, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਟੂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਵਰ, ਆ ਵੋਲਟੇਜ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VI, 2 2 ਤੇ 2, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60, ਆ ਹੈਗਾ 200 V इंटू I2, ओके 60 बाय 220 इज इक्वल टू I2, एक जीरो काट देना, 6 बाय 22 इज इक्वल टू I2, ठीक है। मतलब I2 की वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू होगी, नाउ हम क्या करना है, टोटल वैल्यू I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट प्लस करके, है ना, प्लस करके I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल वैल्यू ऑफ करंट 6 बाय 22 प्लस 10 बाय 22, 22 एलसीएम 16 बाय 22, तो I इज इक्वल टू एनू कटांगे अपन 8 बाय 11 एम्पीयर आंसर, बस हो गया, कोई चक्कर नहीं है इधर कुछ, ठीक है जी। जे ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ I ਸਕੁਅਰ R, ਕੁਝ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ V ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ R, ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕਰੰਟ ਫਾਰ ਦ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਬੱਲਬਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਐਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀਰੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਸ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ NCERT ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ NCERT ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਪਾਓ ਕਿ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਸੇਫ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਇਨ ਯੂਰ ਹੋਮ, ਕਰੇ ਬੈਠੋ, ਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਅਸ,
So stay safe, stay healthy, keep studying, all the best. Bye bye, Shabakar.